फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपटी डिश लेके आई हूँ, अचारी पनीर टिक्का। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही यम्मी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है, जिससे मैं इंस्पायर्ड होती हूँ आपके लिए और भी नई नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी अचारी पनीर टिक्का की तरफ। अचारी पनीर टिक्का स्टार्ट करने के पहले आइए हम उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने ऐसे रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। 1 मीडियम अनियन चॉप्ड। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कूटा हुआ रेड चिली पाउडर लिया है। ये है हमारा आधा टीस्पून अमचूर पाउडर। ये है हमारा आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। ये है हमारा आधा टीस्पून धनिया पाउडर। ये है हमारा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये है हमारा अचारी मसाला, जिसे मैंने आधा चम्मच सरसों का दाना लिया है, 1 चम्मच मेरा ज़ीरा है, 1 चम्मच सौंफ है और बस 4-5 दाने मेथी दाना के हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसे गर्म होने के लिए छोड़ा है। अचार के मसाले को हम 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको ये देखिए, हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। बस इसे हम मोटा मोटा दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अचारी मसाला बिल्कुल दरदरा कूट लिया गया है। इसे अब हम रख देते हैं। इसमें हम अपना कर्ड डालेंगे। इसे थोड़ा सा फेंट लें। इसे हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं। वापस से मैंने पैन चढ़ाया है और गर्म होने दिया है। इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, चॉप्ड अनियन डाला है। प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम फ्लेम को कम करेंगे और सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, सारे ये मेरे अचारी मसाले भूटे हुए, वो भी हम इसमें मिला देंगे। सॉल्ट। ये देखिए, हमारा प्याज का मिश्रण रेडी हो गया है। इसे बस अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस दही में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर, प्याज वाला मिक्सचर भी इसमें डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल। ये देखिए, दही हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें अब हम पनीर के टुकड़े डाल देंगे। ये देखिए, सारे पनीर को मैंने इसमें डाल दिया है और हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि पनीर के ऊपर पूरा का पूरा दही का मिश्रण आ जाए। हमारा पनीर जो है वो पूरा हमने दही का जो मिश्रण है पनीर के चारों ऊपर लगा दिया है। इसे हम बस आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। हो गया है। वापस से हमने पैन चढ़ाया है। पैन को गर्म होने दें। पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें 2-3 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। धीरे धीरे हम एक एक पनीर डालते जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारा पनीर डाला है और इसे हम धीरे धीरे सिम पे पकने देंगे। ऐसा सुनहरा हो जाए पनीर, तो इसे आप 1 by 1 निकाल लें। आप एक प्लेट में निकाल लें और प्याज के रिंग्स के साथ, सॉस के साथ और सर्व करें। पनीर के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।